ऑफ मिनिस्टर्स की हुई बैठक में मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू नहीं होने जा रही हैं। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कोविड 19 के लिए बनी GOM की 5वीं बैठक में इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि रेल और हवाई सेवाएं 3 मई के बाद भी शुरू नहीं होंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को भी 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा गया है। देश में कोरोना वायरस के संकट से